स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। देखो, इस वीडियो में हम डेसिमल शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शन देखा था, तो इस वीडियो में हम डेसिमल के ऊपर सभी इम्पोर्टेंट नोट्स एंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है? एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं डेसिमल मीन्स क्या होता है। कोई वैल्यू होती है जो पॉइंट में दी रही थी आपको, फॉर एग्जाम्पल, तो इसे हम डेसिमल जिसमें आ गया वो डेसिमल वैल्यू कहते हैं। फ्रैक्शन का भी हम डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कंसेप्ट जो कि हमें एग्जाम में स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है वही देखेंगे हम। तो देखो, मेजर पॉइंट्स लेफ्ट टू राइट, मतलब देखो यहाँ पे 2.030 यहाँ पे वैल्यू दी है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है। यहाँ पे आप बोल रहे होंगे यहाँ पे 3 डिजिट्स है, पर मैं आपको बता देता हूँ ये जीरो पीछे का जो भी जीरो होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसके लिए हम उसको गिनते ही नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट तक वैल्यू मेजर करेंगे पॉइंट से। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और नंबर के बाद जितने भी जीरो आए उसको हम नहीं गिनते, ठीक है? यहाँ पे एक और जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे एक और जीरो लगा दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है? तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने पॉइंट्स है, ओनली 2 पॉइंट्स है। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट, मेजर पॉइंट्स लेफ्ट टू राइट हमेशा डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट से राइट तक मेजर करने का, और एंड में नंबर के बाद जो भी जीरो रहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको हम एज अ नंबर कंसिडर नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद, 2 डिजिट्स ही है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन। तो देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिखाया है। तो देखो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है 0.99 और डिवाइडेड बाय 1.1। तो देखो, ऊपर डेसिमल के पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उससे नीचे मल्टीप्लाई करने का, उतने जीरो से नीचे मल्टीप्लाई करने का। तो ऊपर 2 डिजिट्स है इसलिए यहाँ पे 100 से नीचे मल्टीप्लाई करने का, और नीचे कितना है 1 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो उसी उतने जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई करने का, मतलब न्यूमरेटर में। तो देखो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, समझ में आया? तो उसके बाद देखो इसी का हम सिंप्लीफाई करते हैं, 11.999, ठीक है? और बाद में ए जीरो गया, और नीचे जितने जीरो बचते हैं उतना डेसिमल पॉइंट आगे देने का। तो वो आंसर क्या आया है, 9 आंसर आया, तो 9.9 आंसर आएगा, ठीक है? नीचे जितने जीरो रहेंगे उतना डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने का। तो यहाँ से एक जीरो है इसलिए एक डिजिट हमने आगे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया, तो यहाँ पे 0.9। समझ आ रहा है आपको? हम इसके ऊपर एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये 2 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है? तो देख, चलो एग्जांपल देखते हैं। तो देखो इसका आंसर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जाने दो, हमने देख ही लिया है। तो देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, देखो 4.2 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 0.080 इंटू 2.1। तो इसका वैल्यू हमें पूछा है, तो इसका वैल्यू जो भी आता है वो सही ऑप्शन है, और खाली हमें ऑप्शन ही क्लिक करने का। तो देखो इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो इसका आंसर आता है 80, तो 80 कैसे आता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो हमने जो भी यहाँ पे कंसेप्ट देखी थी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन, सेम वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो ऊपर कितने डिजिट्स, कितने पॉइंट्स के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, मतलब 2 है, तो 2 जीरो से नीचे मल्टीप्लाई करने का। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया है डेसिमल पॉइंट निकाल देने का, और नीचे कितने डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे खाली 2 है। नंबर के बाद जितने भी जीरो आने दो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होती उसकी, ठीक है? तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई करने का। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया है,
वन लगाने का और उसके बाद उतना जीरो दे देने का, जितने डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने, ठीक है। तो देखो अब हमें ये सॉल्व करने का है, तो ये सॉल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है, बाद में हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो किसी से कैंसिल होता है क्या ये, तो देखो यहाँ पे 21 को हम यहाँ पे 21 को कैंसिल करते हैं, तो 22 42, तो यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है। और यहाँ पे 8 1 8 और 8 4 32, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या क्या, 2 4 और यहाँ पे 8 00 कैंसिल हो जाते, 8 20 कैंसिल हो जाते, तो 2 4 8 और 8 10 क्या होता है, 80 होता है। तो इसका ऑप्शन 80 देखिए, समझ में आया किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। तो इसी टाइप में आपको एग्जांपल सॉल्व करने के, डेसिमल पॉइंट के जितने भी एग्जांपल होंगे वो सभी इसी पैटर्न में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो देखो एग्जांपल नंबर हम 2 देखते हैं, तो देखो एग्जांपल नंबर 2 दिया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 0.3 का क्यूब है इंटू 0.030 का स्क्वायर दिया है डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.09, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का है आपको, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 आता है और 2 आता है 8, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप खाली डेसिमल पॉइंट का ही मतलब है, तो देखो इसका आंसर आता है सी, इसका आंसर आता है, ठीक है। देखने से ही पता चलता है हमें कि बाद में आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि वही ट्रिक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का, और नीचे जितने डिजिट्स है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करने का, और बाद में कैंसिलेशन हो जाता है और हमें सिंपल सा आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप में इसका आंसर निकालते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे इसका आंसर सी है। देखो देखो आप यहाँ पे देखो क्यूब है, 0.2 का क्यूब है, तो कितने डेसिमल हो जाएंगे टोटल इन सभी को मिला के, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। 0.2 का क्यूब मीन्स हम किस प्रकार से लिखते हैं, 0.2 × 0.2 × 0.2, ठीक है। उसके बाद 0.03 का स्क्वायर है, तो 0.03 डिवाइडेड बाय 0.8 और 0.09 एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, देखो अब ऊपर कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 0 से नीचे मल्टीप्लाई करने का, तो ये 7 0 है, ठीक है। और नीचे कितने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, 1 2 3, तो 3 डिजिट से ऊपर मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। और बाद में ये सब 2 × 2 × 2 8 और ये 3 × 3 9, ठीक है, समझ में आया। बाद में 8 8 कैंसिल हो जाता है, 9 9 कैंसिल हो जाता है, ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल हो जाते हैं, बचता क्या है खाली 1 2 3 4 0 बचते हैं, और इसका सभी का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे कितने जीरो है, 4 0 है, तो ऊपर खाली 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है, 1 2 3 4 हो गए, तो 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा देने का, तो ये रहा हमारा आंसर 0.0001, तो ये सी ऑप्शन, ठीक। इसी टाइप में स्पीड से एग्जांपल सॉल्व करने का, तभी आप एग्जाम में ज़्यादा मार्क अचीव कर पाओगे, ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस टाइप से आप सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 हो गया, अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। अगर बीच में माइनस साइन आ गया तो आपको इसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसका भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, बाद में माइनस करना पड़ेगा, इससे ए माइनस करना पड़ेगा, और बाद में आपको आंसर निकालना होगा। तो देखो इसका ऑप्शन डी आता है 4, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, ब्लैक बोर्ड रहता तो मैं खुद से आपको सॉल्व करके दिखा था, पर यहाँ पे माउस से लिखना नहीं आता, इसलिए मुझे ऐसा आंसर का स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ता है,
ठीक है, और उसी उसी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, कंटेंट मेरा अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, 5 × 1.6 मीन्स 16 × 5, तो इसका 8 आता है, तो पॉइंट डिजिट है तो इसका 8 आएगा। ठीक है, और 14 × 2 28 आता है, तो पॉइंट है तो यहाँ पे 2.8, और डिवाइडेड बाय 1.3 एज इट इज। उसके बाद हम 8 − 2.8 किया तो 5.2 बचता है, और नीचे क्या है 1.2, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए टेन कैंसिल हो गया, तो 52 / 30, और 13 × 4 = 52 आता है, तो यहाँ पे 4 आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप करने का कोई ना कोई तो ट्रिक रहती है। कभी कभी ऊपर स्क्वायर रहता है, उसकी उसका ब्रैकेट नीचे सॉल्व दिया रहता है, ऐसा कुछ तो ट्रिक रहती है। जो भी सिंप्लीफिकेशन के अभी तक हमने नंबर सिस्टम में सभी में, आगे चल के हम जितने सारे ट्रिक्स देखेंगे वो सभी अप्लाई करने का। ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर रहता है, ब्रैकेट का क्यूब रहता है, ऐसे ही सभी इसी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामर जो भी होता है वो सीधा विद इन 1 मिनट में ही आंसर निकले ऐसा ही क्वेश्चंस देता है। सिर्फ आपको उसकी ट्रिक आपको डिफाइन करने आनी चाहिए, तभी आप विद इन टाइम के अंदर, मतलब उसी टाइम के अंदर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द वैल्यू ऑफ 0.1 × 0.1 × 0.1, तो ये 0.1 का क्यूब दिया है प्लस 0.2 का क्यूब, और यहाँ पे नीचे 0.2 × 0.2 × 0.2 प्लस 0.4 × 0.04 × 0.04 दिया है, तो इसकी वैल्यू आपको पूछा है, तो आप कैसे निकालो, सोचो थोड़ा, सोचो क्या दिया है। देखो 0.1 ऊपर भी है, 0.1 नीचे आने के लिए अगर हमने यहाँ से 0.2 कॉमन निकाला, 0.2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे सब 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा, और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर, उसी टाइप में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया है, देखो 0.1 का क्यूब है, 0.02 का क्यूब दिया है, सेम उसी प्रकार से नीचे भी 2 का क्यूब, हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या बचता है, 0.1 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब बचता है, सेम जो ऊपर है वही नीचे है। तो देखो ये सब कैंसिल हो जाती है टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, तो 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 की वैल्यू क्या है, 1/8 ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो सीधा बी ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ट्रिक, खाली ट्रिक ढूंढना पड़ता है, आप उसका आंसर निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 5 देखते हैं, एग्जाम्पल 5 में क्या दिया है, देखो 4.2 × 4.2 −1.9 × 1.9 / 2.3 × 6.1 दिया है। देखो यहाँ पे 4.2 का स्क्वेयर हो सकता है, 4.2 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, −1.9 का भी स्क्वायर हो सकता है, और नीचे क्या दिया है, देखो 4.2 − 1.9 किया तो 2.3 आता है, और 4.2 + 1.9 किया तो 6.1 आता है, मतलब ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया है खाली से। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। देखो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मतलब 1 आएगा इसका। देखो ट्रिक क्या लगाई है, स्क्वायर का ही ट्रिक लगाया हमने, देखा था। देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, इसको मैं रैप करता हूँ, यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया तो ये ऊपर चला जाए। ठीक है, इससे मैं इसको यहाँ पे ला सकता हूँ, तो देखो अब एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी होगी, वर्ड बहुत काम का है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, इस ऊपर का जो भी स्क्वायर है, a² − b², तो इसी का सिंप्लीफाई दिया है, a + b, और दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो a + b का मतलब 6.1 आता है, और a - b का 2.3 आता है, तो a² − b² / a² − b², तो ये सभी की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है।
ऊपर न्यूमरेटर भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये सभी कैंसिल हो जाती है और इसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया। तो इसी टाइप के सभी एग्जाम्पल रहते हैं और यहाँ पे जो भी डेसिमल चैप्टर है अपना वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट में आपको एक PDF प्रोवाइड की जाएगी, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये आप एज अ प्रैक्टिस आप घर में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पूरे वीडियो में हमने क्या क्या देखा। सबसे फर्स्ट हमने फ्रैक्शन देखा, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस की है, उसके बाद उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया है। उसके बाद हमने डेसिमल देखा, डेसिमल में किस प्रकार से एग्जाम्पल क्विकली सॉल्व करते हैं उसके हमने कंसेप्ट देख लिए और उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व किया। और उसके बाद आपको एक PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर पूरा का पूरा कम्प्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके भी ज़रूर बताने का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।